हमने अभी तक ये किया कि अगर आपके पास एक्स टी ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर आपके पास ग्राफ एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, एक्स टी ग्राफ के अंदर स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, स्लोप चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, बात खत्म। अब किसी ने ये पूछ लिया यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं यहाँ पर टैन थीटा बनाऊंगा, इसकी स्लोप बनाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा डन क्लोज, राइट, ऐसे ही है। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि स्लोप तो ऑलवेज चेंजिंग, स्लोप इज ऑलवेज चेंजिंग, कभी ज्यादा कभी कम, चेंज होती जा रही है, हर पॉइंट पर अगर स्लोप चेंज होगी तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी तो अपने को इसमें क्या करना है, ठीक है, हर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो कैसे निकलेगी वेलोसिटी उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए ध्यान से देखना, सपोज करो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपने एक छोटा सा ये पॉइंट लिया जहां वेलोसिटी निकालना चाहते हो, तो मान लो इस t1 टाइम पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया, या आप t2 टाइम पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो, आपने t2 पॉइंट मार्क कर, ये लाइन क्या है बताता हूँ क्या लाइन्स हैं, आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये वेरी 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 स्मॉल है, डेरिवेटिव है, बस समझ लो, डेरिवेटिव का मतलब इससे छोटा हो नहीं सकता। तो अगर मैं ये पॉइंट लूँ ऐसा, तो ये मैंने बहुत बड़ा बनाया है, रियलिटी में ये आपको दिखने भी नहीं वाला, क्योंकि dx ये जो लेंथ है ये बहुत 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 स्मॉल है। कोई कहता है ये कर्व है, ये कर्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पॉइंट शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, इसकी शेप कर्व कभी भी नहीं होती। तो अगर मैं ये बोलता हूँ ये लेंथ dx है, ये dx कभी भी कर्व नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट ही मिलेगा आपको। तो अगर कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जा रही है और आप इसके ऊपर dx लेते हो, तो ये dx है, ये dx है, ये dx है, ऐसे ये dx है। मैं आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा बना रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में dx दिखता थोड़ी ना, वेरी 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 स्मॉल। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये किया कि आप बस ये छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसका छोटा सा जहां वेलोसिटी लेना चाहते हो पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को बड़ा करो, माइक्रोस्कोप से देखो एक तरीके से, तो आपको वो पॉइंट नहीं दिखेगा, आपको ये इतना बड़ा एलिमेंट दिखेगा, ये बड़ा करके बना रखा है, एक्चुअल में दिखेगा भी नहीं, ये पॉइंट है, पर मैंने बड़ा करके दिखाया तो आपको ऐसा कुछ टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान आगे क्या कि अगर मैं इस छोटे से पॉइंट जो लाइन दिख रही है मुझे बड़ा करके, इसकी स्लोप निकाल लूं, तो स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, तो एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बहुत ही छोटा, ये बड़ा बना रहा हूं लेकिन ये तो दिखेगा भी नहीं एक्चुअल में, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आप क्या करोगे, इसमें ट्राइंगल बनाओगे, ये टेन थीटा निकालोगे, इसका टेन थीटा आपको क्या देगी, इसकी स्लोप। अब स्लोप होगी क्या, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये लेंथ तो बहुत ही छोटी होने वाली है, इससे छोटी हो नहीं सकती, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डीएक्स। तो ये लेंथ क्या पाई जाएगी, डीएक्स, और ये एक्सिस क्या है, टाइम का, और ये बेस क्या होगा, डीटी, जो बेस है वो क्या पाया जाएगा, डीटी, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो दिस इज डीटी। तो बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, dx डिवाइडेड बाय dt, देखा लगता है ये, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही है। तो इस केस में जब मैं यहां पर वेलोसिटी निकालूंगा dx बाय dt करके, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं अगर, और वैसे भी हर टाइम पर वेलोसिटी अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, राइट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो इस केस में पहला रूल, जब आप किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो या निकालना चाहते हो, तो आप वहां पर एक पॉइंट मार्क करोगे, पॉइंट मार्क कर लिया, अपने मन में सोचोगे कि ये पॉइंट मैंने बड़ा किया तो ये dx / dt आपको क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर इसका कोई फायदा है नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल बहुत छोटे बनने वाले हैं। अब कैसे निकालेंगे ये tan थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये tan थीटा की वैल्यू, ये dx और dt तो मेजरेबल है ही नहीं, जो कैलकुलस से सॉल्व होते हैं, तो ये करने के लिए काम करो, इसको ना एक्सटेंड कर लो नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे खींच दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, समझो लाइन खींच दी, आप एक काम करो, आप इसका ये tan थीटा निकाल देना,
बड़े ट्राइंगल का, क्यों? क्योंकि जो भी एंगल थीटा आएगा वो एंगल ये थीटा एग्जैक्टली क्या रहेगा, से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इनस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंगल फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी विल फाइंड जो एंगल फ्रॉम अ बिगर ट्राइंगल. तो बड़े ट्राइंगल से एंगल निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम ये डायग्राम कभी बनाएंगे ही नहीं. अगर कोई ये कहता है कि मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है, तो ये dx dt कौन करेगा? आप सिंपली एक काम करो, बनना तो यहाँ पर dx dt ही है, पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पॉइंट के ऊपर. कर दिया, आप सिंपली इस टेंजेंट की स्लोप निकाल देना यहाँ से यहाँ से, दिस हाइट बाय दिस बेस, ऑटोमेटिकली tan थीटा जाएगा और xt ग्राफ की स्लोप क्या आती है, वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो बेसिकली कुछ नहीं करना आपने, आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, और आप इसका कोई भी ट्राइंगल लेके टेन थीटा निकाल देना. कोई कहता है यहां निकालो वेलोसिटी, कोई बात नहीं, आप टेंजेंट ड्रॉ करो, आप कोई भी ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करो, स्लोप निकाल लो इसकी वेलोसिटी. तो इसका मतलब जब भी वेलोसिटीज चेंज हो रही है और हम वेलोसिटीज निकालते हैं, उन वेलोसिटीज का नाम क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट होती है, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट. आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उसकी स्लोप निकालो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी. कोई डाउट, पॉइंट समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना इंस्टेंटेनियस का? तो अब हमने क्या सीखा, एक्सटी ग्राफ की अगर अगर ग्राफ एक्सटी का स्ट्रेट है, अगर स्ट्रेट है तो स्लोप कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. अगर टेढ़ा मेढ़ है तो स्लोप चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी स्लोप निकालेंगे, आंसर आएगा. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटी ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब एक्सटी ग्राफ की स्लोप चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. लेकिन किसी ने कहा फाइंड एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स, और टोटल टाइम को डेल्टा टी, यही फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का. अब इस केस में आपने क्या करना है एवरेज वेलोसिटी के लिए, पहला और आखिरी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, पहले और आखिरी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है. जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी डेल्टा एक्स, और ये टोटल टाइम आ जाएगा डेल्टा टी. आप इस रेड कलर की लाइन की स्लोप निकाल लें, क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो पूरी की पूरी जो वेलोसिटी आएगी उसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी. क्लियर है यहां तक? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन आएगी ना, थ्योरी थोड़ी ना आएगी. तो एप्लीकेशन में ये आपको उसने ग्राफ दिया एक्सटी ग्राफ, ये गया ये गया ये गया, तीन रीजन है इसके, रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर थ्री, राइट. उसने कहा रीजन नंबर वन में ये यहां पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, क्योंकि ग्राफ कौन सा है एक्सटी, तो आपको क्या निकालनी है वेलोसिटी. क्या निकाल लें, स्लोप, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी. तो स्लोप क्या होगी बताओ, दिस हाइट, ये हाइट कितनी है 10, डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितने हैं 2. तो पहला आंसर क्लियर है 10/2, ठीक हो गया. सेकेंड रीजन में बताओ स्लोप क्या है, फ्लैट है, जीरो, टेन थीटा है ही नहीं, थीटा जीरो है, फ्लैट की तो स्लोप नहीं होती ना. अगर स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी भी क्या है, जीरो, सिंपल. तो सेकंड पोर्शन की वेलोसिटी जीरो. नेक्स्ट पोर्शन थर्ड, इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी स्लोप, इसकी स्लोप क्या है, ये टेन थीटा दिस बाय दिस, तो ये हाइट कितनी है 15 में से 10 गया 5, डिवाइडेड बाय 6 में से 4 गया 2, तो 5 डिवाइडेड बाय, ये गलत किया हुआ है, यहां पर क्या आएगा 2, 5/2 मीटर्स पर सेकेंड. करेक्शन कर लेना, ठीक है यहां तक, ठीक है ना, 6 - 4 = 2 हो गया ना, ठीक है यहां तक. नेक्स्ट लास्ट पार्ट है फाइंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये देखो, शुरू और आखिरी के लाइन को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, टेन थीटा निकालो इसका, टेन थीटा क्या होगा, हाइट, टोटल हाइट कितनी है 15, है ना. तो ट्राइंगल हमने लिया, वो ट्राइंगल क्या लिया, ये ट्राइंगल लिया, ये वाला, तो हमने ये इसको ज्वाइन किया, ये पूरे का पूरा ट्राइंगल बना. तो ये हाइट कितनी है 15, और टाइम कितना है टोटल 6, तो 15/6 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आ गई.
तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो इसलिए मैं वो लिखवाने का फायदा ही नहीं है ना, ये करो वो करो, क्या करो, कुछ भी ना करो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन सीखना है। जो लिखने वाला पार्ट है अभी दूंगा आपको होमवर्क करने के लिए, तो आपने वो लिख के लाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ समझना है आपने। टोटल क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि आने वाले असाइनमेंट में सब कुछ अप्लाई करना है आपने, तो आपको रूल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि ये एप्लीकेशन है और ऐसे इसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, ये बताओ वीटी ग्राफ अगर कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो क्या समझ में आता है? वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। समझ में आता है? अगर वीटी ग्राफ चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है। किसी ने कहा फाइंड एक्सेलरेशन, भाई मैंने कहा कैसे करूं एक्सेलरेशन फाइंड, क्योंकि तो चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट फॉर एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, डिफरेंट है, तो कैसे करें? तो रूल वही बनाया, मान लो मैंने आपको कहा इस टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल लो, तो आपने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को बड़ा करके देखा तो ये दिखा, इसमें स्लोप निकाल ली, स्लोप क्या होगी? दिस अपॉन दिस। अब अगर ये टोटल एक्सिस वी का है तो ये स्मॉल डेरिवेटिव ऑफ वी क्या निकलेगा? डीवी। और ये क्या निकलेगा? डीटी। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या निकलेगी? डीवी बाय डीटी। इस एक्सेलरेशन का नाम क्या था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गई। कैसे निकलेगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? वही तरीका, ड्रॉ अ टेंजेंट। तो मान लो मैंने आपको कहा कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल लें, कहां पे? यहां पे। तो आप सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इसके ऊपर, ऐसे कोई भी एक ट्राइंगल ले लें इसमें, ऐसे दिस बाय दिस, तो ये इसकी क्या आ जाएगी? स्लोप, एक्सेलरेशन आ गई। किसी ने कहा यहां निकालना है, जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ड्रॉ करो, हाइट अपॉन बेस, बेस में ये लेंथ लेनी है पूरी, पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करना है, ये नहीं है कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सबट्रैक्ट करना है, नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है, जैसे ये 2 है, ये -3 है, तो टोटल आपने इसमें 5 लेना है, 5, क्योंकि लेंथ लेनी है ना, लंबाई, तो ऐड इसको स्लोप निकाल लेंगे तो यहां की क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो वीटी ग्राफ में शुरू और पहले पॉइंट को ज्वाइन ही कर दें, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये रीजन है इसके, तो पहले रीजन में एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी? तो पहले रीजन में एक्सेलरेशन क्या होगी? इसकी स्लोप निकाल दो। बोलो क्या? क्योंकि ग्राफ वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी? इसमें टेन थीटा कितनी? 10/2, पहला आंसर, राइट? फिर दूसरे की एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, स्लोप नहीं है, जीरो। तीसरे रीजन की एक्सेलरेशन क्या होगी? दिस हाइट, ये हाइट कितनी है? 15 में से 10 गया, 15 - 10, और बेस कितना है इसका? 3, आंसर, राइट? और लास्ट एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? शुरू और एंड के पॉइंट को ज्वाइन कर दो, टोटल हाइट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 15, और टोटल टाइम कितना है? 8, आंसर। तो समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कैसे चलेगा, इसमें कोई डाउट इसमें?